नमस्कार, मैं हूं मंजू पुरी। पंजाबी तड़का चैनल में आपका स्वागत है। तो हाँ दोस्तों, आज ऐसी डिश बनाने वाले कि देख करके पानी आ जाए। तो आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं भल्ला पापड़ी की रेसिपी, और वो भी एकदम इजी वे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर एक कटोरी मैदा, आधी कटोरी सूजी। मैदे और सूजी को हमने अच्छे से मिला लेना है। हाँ जी, ये देखिए आधी कटोरी हमने इसमें सूजी डाल दी है, और हमने डालना है 2 चम्मच ऑयल। और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक। इसे हमने अच्छे से मिलाना है। ये हमारी पापड़ी का डो तैयार होएगा, इतना बढ़िया। इसलिए इसे अच्छे से हमें पानी डाल के इसे थोड़ा टाइट गूँथना है। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथ रही हूँ। बस आपने भी इसी तरह से गूँथना है, और आपकी भी पापड़ी बहुत बढ़िया बनने वाली है। इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे टाइट सा डो लगाना है। ये देखिए, डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मसल लेना है। अब हमने इसकी छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बनानी है, जिस तरह से हम गोलगप्पे की बनाते हैं, तो उसके लिए अब थोड़ी छोटा साइज होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा लेकर के हमने इस तरह से छोटी छोटी पेड़ियाँ सी बना लेनी है, इसी साइज की। आप बड़ी छोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी छोटी छोटी ली है ताकि बिल्कुल मार्केट की तरह लगे। इस तरह से देखिए हमने बना ली है। इसी तरह से हमने सारी पेड़ियों को गोलगप्पे की तरह बेल के और उससे फोक से इसके बीच में छेद कर देना है, ताकि ये फूले ना पूड़ियों की तरह, नहीं तो ये फूल जाएंगी। इस तरह से हमें फोक से छेद कर देना है इसमें। बस सारी पूड़ियाँ जो छोटी छोटी सी हमने बनाई है, उसी तरह से बेलते जाएँ और फोक से उसमें निशान लगाते जाएँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से छोटी छोटी बेली है। आप बड़ी बेलना चाहे तो बड़ी भी बेल सकते हैं। देखिए, ये मैंने सारी पूड़ियों को छोटी छोटी बना के बेल लिया है, ताकि हमारी अच्छी सी पापड़ियाँ तैयार हो जाएं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब सभी पापड़ियों को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा अच्छा गर्म है। हमारी सभी पापड़ियाँ अच्छे से पक रही हैं। इसे क्रिस्पी होने तक आप पकाएं, क्योंकि अभी थोड़ी वाइट लग रही हैं, थोड़ी सी पिंक शेड में हो जाएंगी, फिर हम इसे निकाल लेंगे। पापड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर लिए एक कटोरी दाल, जिसे हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल को हम मिक्सी में डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से पीस चुकी है, और उधर हमारी पापड़ियाँ भी अच्छे से पिंक कलर की हो गई है। ये देखिए, पापड़ी जब तक हमारी इधर से हो गई, इधर से हमने मिक्सी में दाल को भी अपनी पीस लिया। अब पापड़ी को हम सब बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, कितनी बढ़िया कुरकुरी लग रही है ना। हमने सारी पापड़ियों को इसी तरह तल के निकाल लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में अपने भल्ले को तल लेंगे। भल्ले बनाने के लिए हमने इसमें डाला है थोड़ा सा मीठा सोडा, 1/2 चम्मच हमने डाला है नमक। नमक आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच बेसन। अब हम इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी,
और फ्लफी भी हो जाएगी। इसी तरह से हमने अपनी पूरी दाल को हिलाना है, हिला करके ताकि वो सॉफ्ट और स्पंजी टाइप हो जाए। बस फिर हम इसके भल्ले बनाएंगे ताकि हमारे भल्ले बड़े ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर चावल का तेथा लिया है, इससे मैं अपने बड़े बड़े भल्ले साइज़ के निकालूँगी। ये देखिए भल्ले हमारे फ्राई हो रहे हैं। भल्लों को हमने पिंक होने तक अच्छे से फ्राई करना है। आप इस तरह से बनाएं, छोटे या बड़े वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह से थोड़े बड़े साइज़ के होंगे तो भल्ले खाने का टेस्ट बहुत अच्छा, और ये स्पंजी भी बहुत बनते हैं। ये देखिए भल्ले हमारे पिंक हो चुके हैं। अब भल्लों को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, एकदम पिंक। ये पूरे पक चुके हैं, भल्लों को हमने निकाल लिया है। हम भल्लों को पानी का मैंने एक कटोरा ले लिया है, नॉर्मल पानी लिया है, बस इसमें हम भल्लों को भिगो देंगे। ये देखिए इसे आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, भल्ले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और हमने यहाँ पर दही लिया है जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है, उसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच चीनी, साथ में हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों को अच्छे से फेंट लिया है और साथ में हमने जो भल्ले लिए हैं वो हम इसमें भिगो देंगे ताकि भल्ले अच्छे से दही में डूब जाएं। देखिए भल्ले हमारे इतने सॉफ्ट बने। अब हमने यहाँ पे एक प्लेट ली है, अब हम भल्लों को सर्व कर रहे हैं। ये देखिए अब भल्लों को हम बीच में से कट कर देंगे ताकि दही हमारा अंदर तक चला जाए। ये हमने अपनी पापड़ियाँ जो हमने बनाई थी, देखिए कितनी कुरकुरी बनी हुई है, इसे हम डाल रहे हैं। दिखने में ही देखो कितनी कुरकुरी है, क्रिस्पी। इस तरह से हमने इस पर डाली है, साथ में हम डाल रहे हैं इस पर दही, थोड़ा सा मैंने इस पर डाला है भुना हुआ जीरा, साथ में स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हमने ली है लाल मिर्च। अब हम इस पर डालेंगे अपनी हरी चटनी। ये देखिए चटनी भी आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा जितनी खाते हैं आप ले सकते हैं। अब हम इस पर डालेंगे अपना मीठी चटनी जो हमने इमली वाली चटनी बनाई थी, उसकी रेसिपी आप मेरे लिंक में देख सकते हैं। हम इस पर डाल रहे हैं दही, ऊपर से हमने डाली है भुजिया जिसको लोग सेव भी कहते हैं, वो डाल करके आप इसे चाहें तो अनार के दानों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, दिल कर रहा है ना कि हाथों हाथ निकालें और खा लें। तो इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसे देखिए और शुरू हो जाइए। मेरी तो बहुत बढ़िया बनी है भल्ले पापड़ी की प्लेट, इस तरह से आप भी खाइए, बनाइए और खा करके बताइए कैसी बनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।